ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्योरिफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे ये जो मशीन आई है, ये मशीन है वेंडिंग मशीन है, एक प्रकार की वेंडिंग मशीन ये है, सॉफ्टी मेकर वेंडिंग मशीन है। अभी होता ऐसा है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट में कॉम्पैक्ट मशीन आ रही है, अभी उसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो हमें कॉम्पैक्ट मशीन की ओर ले जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड सॉफ्टी मेकिंग मशीन है। अभी होता ऐसा है कि जैसे मशीन्स आ रही है मार्केट में, तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसे हम सॉल्व कैसे करें, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका डिटेल देखेंगे, स्ट्रक्चर की ये मशीन वर्क कैसी करती है, वर्किंग भी देखेंगे, और इसका रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे। ये जो सॉफ्टी मशीन है, तो ये एक रेफ्रिजरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आती है ये मशीन। अभी हम इस मशीन का डिटेल देख लेते हैं। पहले अभी मशीन को मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, तो मशीन को स्टार्ट करने के बाद में इसमें जो सामने सिस्टम लगा हुआ है ऑपरेटिंग, जहाँ से हम इस मशीन को करेंगे, ये टच ऑपरेटेड मशीन है। तो मैं आपको एक बार इसे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैंने मशीन ये स्टार्ट कर दी है, तो मशीन स्टार्ट करने के बाद में इसमें आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं जैसे एक वॉश का ऑप्शन दिया गया है हमें इसमें, उसके बाद में फ्रीज का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद में डिफ्रॉस्टिंग का ऑप्शन दिया गया है। अभी जैसे हमें ये जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ये काफ़ी मेन ऑप्शन हमारे लिए है। उसके बाद में प्ले है, सेट है, और ये तो आइसक्रीम का इसने लोगो दिया गया है इसमें। अभी जैसे तीन ऑप्शन हमारे लिए अगर काफ़ी मेन है, तो जैसे आपने काफ़ी सिस्टम्स देखे होंगे जिसमें आपने सुना होगा हॉट एंड कोल्ड कंसेप्ट होता है। अभी हॉट एंड कोल्ड कंसेप्ट ये ऑपरेट कैसे होगा, तो इसमें ऑपरेट करने के लिए सोलेनोइड वॉल्स लगे हुए हैं जो हॉट एंड कोल्ड का प्रोसेस ऑपरेट करते हैं। अभी हॉट एंड कोल्ड का प्रोसेस अगर देखा जाए, तो मेनली हॉट एंड कोल्ड का प्रोसेस होता क्या है, हॉट एंड कोल्ड का प्रोसेस जो हम ऑपरेट करते हैं वो कंप्रेसर से ही ऑपरेट करते हैं। इसमें कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ होता है जो हमें मतलब हॉट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें कंप्रेसर ही लगा हुआ होता है। हम कंप्रेसर के ही जैसे डिस्चार्ज को जो हम डाइवर्जन देते हैं, एक तो कोल्ड सेक्शन के लिए अगर डाइवर्जन देंगे, तो आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल पता है, जिसमें कंप्रेसर के बाद में कंडेंसर आता है, उसके बाद में कंडेंसर के बाद में जैसे आप देखेंगे तो कैपिलरी आती है, कैपिलरी के बाद में इवेपोरेटर आता है। ये हो गया इसका कोल्ड सेक्शन अगर वर्किंग करवाते हैं तो। अभी जैसे वॉश और डिफ्रॉस्ट सेक्शन देख रहे हैं आप, वॉश और डिफ्रॉस्टिंग, ये फ्रीजिंग का तो मैंने बता दिया फ्रीज का आपको, वॉश और डिफ्रॉस्टिंग अगर देख रहे हैं आप इसमें, तो कंप्रेसर कैसे वर्क करेगा इस कंडीशन में, जब हम ये प्रोग्रामिंग देंगे। कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है, कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद में जो हमारे इसमें इनलेट वॉल्स लगे हुए हैं, तो इनलेट वॉल्स डिस्चार्ज को बाईपास कर देते हैं डायरेक्ट इवेपोरेटर के सेक्शंस में। इवेपोरेटर सेक्शन में अगर डायरेक्ट हम इसे बाईपास कर देंगे, तो होता ऐसा है कि कंप्रेसर से जब डिस्चार्ज हम करते हैं रेफ्रिजरेंट, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है जो इवेपोरेटर में डायरेक्ट एंटर करवाते हैं हम, जिससे हमें हॉट जो रिक्वायरमेंट होती है हीट की, वो हीट हमें डायरेक्टली मिल जाता है। उस कंडीशन में हमारा कोल्ड सेक्शन पे भी जैसे कैपिलरी के पहले लगा हुआ जो इनलेट वॉल होता है वो बंद हो जाता है। अभी इनलेट वॉल अगर हमारा कैपिलरी के पहले का अगर बंद हो जाता है, तो उसमें तो जैसे हमें फ्रीज के तरफ नहीं जाना है, इसलिए हमने वो सेगमेंट हमने इसमें बंद कर दिए हैं। अभी हमें इसमें डिफ्रॉस्टिंग और वॉश के लेवल के लिए जाना है, तो कंप्रेसर डायरेक्ट हमारा जो पंप करता है वो डायरेक्ट इवेपोरेटर में पंप करता है। इस तरीके से हम उसे हॉट एंड कोल्ड में डिवाइड करते हैं। तो चलिए इस मशीन का अभी हम डिस्क्रिप्ट देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्ट में इसके पार्ट्स कहाँ पे लगे हुए हैं, इसका ऑपरेटिंग कैसा है, इसका फंक्शनिंग कैसा है। रही बात जो सॉफ्टी मैकेनिज्म की, हम इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वो पार्ट नहीं है सॉफ्टी मैकेनिज्म का। हमारा पार्ट है जो है रेफ्रिजरेशन का पार्ट है इसमें, तो हम रेफ्रिजरेशन का पूरा इसमें सेगमेंट कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम इस मशीन की वर्किंग देखेंगे डिटेल में, उसके बाद में पार्ट्स कैसे लगे हुए हैं, और ये मशीन हमारा जो रेफ्रिजरेशन इसका सिस्टम है ये ऑपरेट कैसे हो रहा है हॉट और कोल्ड कंडीशन में, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम तो पावर सेगमेंट से इसमें स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम पावर सप्लाई इसमें देते हैं। तो पावर सप्लाई के लिए आप देख सकते हैं इसमें पीसीबी लगी हुई है।
तो इसमें जैसे ये मशीन में जहाँ पे पहले तो पावर आता है, जैसे मतलब 220 वोल्ट हम जिसे सप्लाई देते हैं, तो डायरेक्ट पहले तो पीसीबी में हम इसमें सप्लाई देते हैं। पीसीबी में हम इसमें सप्लाई इसलिए दे रहे हैं, इसके ही थ्रू हमारा कंप्रेसर ऑपरेट हो रहा है, इसी के थ्रू हमारे कंडेंसिंग करने के लिए जो फैन लगे हुए हैं कंडेंसर के ऊपर में वो ऑपरेट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे लगे हुए इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में हम देख सकते हैं उसमें जैसे इनलेट वॉल्स लगे हुए हैं, उसी के साथ साथ मोटर लगी हुई है, उसी के साथ साथ काफ़ी सेंसर्स लगे हुए हैं जो मोटर हमारी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद में हमारा जो इवेपोरेटर का जो सेक्शन है और जैसे कंपार्टमेंट है ऊपर का जहाँ पे हम जो सॉफ्टी का जो उसमें सॉल्यूशन डालते हैं, तो सॉफ्टी के लिए जो सॉल्यूशन डालते हैं तो वो भी डिटेक्ट करने के लिए इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ इवेपोरेटर में भी इसमें सेंसर दिया गया है। उसी के साथ साथ जैसे इसमें टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए भी सेंसर दिया गया है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इसने कट ऑफ होना चाहिए। अभी अगर पीसीबी का रोल देखते हैं तो पीसीबी से ही हमारी सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही है, तो पीसीबी से ऑपरेट हो रही है तो एसवीज जा रहे हैं सप्लाई पीसीबी में से। उसके बाद में कंप्रेसर के लिए दे दिया है रिले इसमें कि कंप्रेसर को हमें स्टार्ट करना है किस कंडीशन में। उसके साथ साथ जैसे एसवीज हो गए, उसी के साथ साथ हमारे इसमें नीचे में जो लगे हुए ये टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, टेम्परेचर सेंसर्स के बाद में डिस्प्ले के लिए भी यहाँ से ही जा रहा है सप्लाई, तो ये हमारी मेन पीसीबी हो गई है। तो ये सारा जो फंक्शनिंग है, ये मतलब जो सिस्टम ऑपरेटिंग हो रहा है, ये सिस्टम जो पूरा ऑपरेट हो रहा है ये इस पीसीबी के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, तो ये इसकी मेन पीसीबी है। मेन पीसीबी के बाद में इसकी डिस्प्ले पीसीबी है जो सामने में लगी हुई है, आपको हमने बताया तो जो टच की उसकी पीसीबी लगी हुई है। अभी पीसीबी देखने के बाद में हम इसके ऊपर आ जाते हैं जैसे इसके मेन पार्ट्स हैं। अगर हमारा सिस्टम वर्क करता है तो आप इसमें डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमें जैसे सप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो कैसे चेक करेंगे हम इसमें। जैसे इसमें कंप्रेसर के लिए रिले दिए गए हुए हैं, तो रिले दिए गए हैं तो रिले स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है या स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो हम इस पीसीबी पे भी डिटेक्ट करके इसके प्रॉब्लम्स फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट इसमें। जैसे फेज चेक कर सकते हैं आप, जैसे इनलेट वॉल के लिए फेज आ रहा है क्या। उसके बाद में हमारे जो इसके ऊपर में जैसी कंडेंसिंग के लिए जो फैंस लगे उसके ऊपर आ रहा है क्या। उसके बाद में जैसे कंप्रेसर लगा है उसके ऊपर आ रहा है क्या, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें से चेक कर सकते हैं। अभी रही बात रेफ्रिजरेशन की, तो रेफ्रिजरेशन में सिस्टम इसका बता देता हूं आपको डिस्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसका। अभी जैसे रेफ्रिजरेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें, तो रेफ्रिजरेशन के लिए जैसे तो पहले हमारे इसमें कंप्रेसर दिया गया हुआ है जो एमरेको का कंप्रेसर इसमें है लगा हुआ है। यहाँ से जो डिस्चार्ज निकला हुआ है, तो डिस्चार्ज इसमें थ्री वे जा रहा है। थ्री वे इसलिए जा रहा है जो डिस्चार्ज निकल रहा है, तो ये डिस्चार्ज जाके तो एक तो हमारे कंडेंसर पे जा रहा है पहले, उसके बाद में ये डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज जो निकल रहा है यहाँ से कंडेंसर पे अगर डायरेक्ट जाता है तो वो हमें फ्रीज जो सेगमेंट हमारा रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम वर्क करते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसमें इनलेट वॉल लगा हुआ है, तो इनलेट वॉल का फंक्शनिंग इसमें ऐसा है जब हम हॉट सेक्शन अपने यूज़ करते हैं तो इसे डायरेक्ट डाइवर्ट करने के लिए इसमें इनलेट वॉल दिया गया हुआ है। तो इसमें जो इनलेट वॉल दिए गए हैं, तीन इनलेट वॉल दिए गए हुए हैं, तो इनलेट वॉल डिस्चार्ज पे लगे हुए हैं दो, तो आप ये वाला एक देख सकते हैं ये डिस्चार्ज के ऊपर लगा हुआ है। इसके बैक साइड में भी एक लगा हुआ है जो डिस्चार्ज पे लगा हुआ है। ये दोनों हम हीटिंग सेगमेंट के लिए यूज़ करते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है डिफ्रॉस्टिंग की। अभी डिफ्रॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय हम इसे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में आप एक और देख सकते हैं एसवी यहाँ पे लगा हुआ है, जो ये एसवी लगा गया हुआ है ये फ्रीजिंग सेगमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। उसके बाद में ही कैपिलरी स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको एक क्लोजअप में दिखा दूंगा इसे। अभी जैसे मैं इसमें फ्रीजिंग का अगर मैं देखता हूँ, जैसा कोल्ड सेक्शन हम इसमें देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, तो कंप्रेसर के बाद में जैसे यहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है, डिस्चार्ज निकलने के बाद में नीचे में यहाँ पे लगा हुआ है कंडेंसर लगा हुआ है इसका। कंडेंसर जो हमारा इसमें ऑपरेट हो रहा है, तो कंडेंसर के लिए हमें जैसा कंडेंसिंग के लिए फ़ैन लगाए गए हैं उसमें तीन, तो कंडेंसिंग के लिए आप देख सकते हैं इसमें तीन फैन लगाए गए हुए हैं, एक हो गया है, दो हो गया और ये तीसरा फैन है। तीन कंडेंसिंग के लिए इसमें फ़ैन लगाए गए हैं। अभी कंडेंसिंग के लिए अगर इसमें फ़ैन लगाए गए हैं तो उसके बाद में मैं आपको इसका कंडेंसर भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे हमारा कंडेंसर लगा हुआ है, ये नीचे साइड में लगा हुआ है कंडेंसर, उसके बाद में तीन फैन आपको मैंने बताए थे इसमें लगे हुए कंडेंसिंग के लिए। अभी मैं इसका कंडेंसर भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो कंडेंसर लगा हुआ है, तो ये कंडेंसर इसका एल्यूमिनियम कंडेंसर लगा हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हैं ये नीचे के साइड में लगा हुआ है इसका एल्यूमिनियम कंडेंसर। कंडेंसर के बाद में जैसे कंडेंसर में जैसा हमारा पाइप जा रहा है डिस्चार्ज का, तो कंडेंसर का पाइप जाने के बाद में आप देख सकते हैं पीछे में इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है जो कंडेंसर के आउट से निकल रहा है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे फिर से हमारा जो लगाया हुआ एसवी लगा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में आप देख सकते हैं पीछे में कैपिलरी लगी हुई है यहाँ पे।
तो उस कैपिलरी जो हमारी जा रही है ऊपर में, तो कैपिलरी हमारी डायरेक्ट जो ऊपर में जा रही है ये इसके इवेपोरेटर में जा रही है, जहाँ पे हम जो सॉफ्टी होती है उसका जो जैसे उसमें जो उसका जो सॉल्यूशन होता है लिक्विड सॉल्यूशन, उसे हम मिक्स करते हैं। अभी उसे मिक्स करने के लिए यहाँ पे तो मोटर लगी हुई है, तो हमारा ये कंसेप्ट नहीं है, रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट नहीं है। अगर ये मोटर वर्क नहीं करती तो इसे तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते, कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं होता है। इशू इसमें आता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इशू आता है, इसके सेंसर्स में इशू आते हैं, इसके जो SUVs लगे हुए इसमें इशू आते हैं आपको, उसके बाद में कंडेंसिंग अगर प्रॉपर नहीं होता है तो फैन के इशूज़ आते हैं मैक्सिमम इसमें, और उसके बाद में अगर कंडेंसिंग अगर हो जाता है, सारी चीज़ें अगर इसमें हो जाती है तो एरर्स इसमें जो शो करते हैं, तो एरर्स इसके तो डिस्प्ले पे शो कर देते हैं। अगर एरर इसमें डिस्प्ले पे शो हो रहा है और एरर अगर इसमें आ रहा है, तो एरर तो डायरेक्ट डिफाइन हो जाता है कौन सा सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। जैसे देख सकते हैं इसमें इवेपोरेटर में सेंसर गया हुआ है, उसके बाद में एक सेंसर जाके कंडेंसर में लगा हुआ होता है जो सामने से यहाँ पे नीचे में दिया गया है, तो कंडेंसिंग का टेम्परेचर भी वो सेंस कर रही है PCB। उसके बाद में जैसे कंप्रेसर हमारा रन कर रहा है, तो कंप्रेसर के लिए सादा इसमें जैसे रिले ऑयल भी दिया गया है और नीचे साइड में कैपेसिटर भी दिया गया हुआ है जो कंप्रेसर को लगा हुआ है। अभी जैसे कंप्रेसर का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, जैसे एमरे को दिया गया है EHU 2155U, तो इसमें लगने वाली चीज़ें क्या होती है, जैसे इस सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है वो 290 है। अभी उसके बाद में अगर हम देखते हैं जिसमें चीज़ों में, तो जैसे हमारा कंप्रेसर मेन हो गया, कंडेंसर हो गया, उसके बाद में फैन मोटर्स हो गई कंडेंसर की जो कंडेंसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे SUVs हो गए, SUVs के बाद में हम अगर देखते हैं तो फिल्टर हो गया, फिल्टर के बाद में कैपिलरी है, उसके बाद में हमारा इवेपोरेटर है। अभी अगर हम ये देखते हैं तो ये तो हो गया हमारा कोल्ड सेक्शन का वर्किंग, अभी हम देखेंगे हॉट सेक्शन का वर्किंग। हॉट सेक्शन के वर्किंग में होता कैसा है ना, जब इसमें डिफ्रॉस्टिंग में डालते हैं, कंप्रेसर स्टार्ट होता है, कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद में कंडेंसिंग के बाद में जो हमारा SUV लगा हुआ था ये इसमें ऑन नहीं होता है। वो ऑन नहीं होने के वजह से जो हमारे दूसरे SUVs लगे हैं, जहाँ से हम डायरेक्ट बायपास करते हैं हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है जिसमें इवेपोरेटर में, तो ये SUV हमारे ऑन हो जाते हैं। SUV हमारे ऑन हो जाते हैं तो डिस्चार्ज का जो हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, डायरेक्ट इवेपोरेटर में जाने के वजह से इसमें वो हीट क्रिएट कर देता है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में जैसे आप देख सकते हैं इसमें इवेपोरेटर में इसका सेक्शन आपको बता देता हूँ, तो ये इवेपोरेटर सेक्शन है, तो सामने से भी इसका इवेपोरेटर कैसे दिखता है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। अभी जैसे इवेपोरेटर देख रहे हैं, तो इवेपोरेटर इसमें यहाँ पर ऊपर साइड में लगा हुआ है, तो इवेपोरेटर ऊपर साइड में लगा हुआ है, तो ये इसका यहाँ पे कूलिंग आता है इसमें, जो इवेपोरेटर मेन है हमारा, तो इसके आजू बाजू ही हमारा इवेपोरेटर कॉइल इसमें जो हमने घुमाया हुआ होता है, जिस वजह से इस कंपार्टमेंट में हम इसमें कूलिंग दे रहे हैं। तो इस कंपार्टमेंट में अगर इसमें हम कूलिंग दे रहे हैं, तो कंपार्टमेंट में कूलिंग देते हैं, पर इसमें जो लिक्विड आता है तो यहाँ से आता है हमारा जो सॉफ्टी का लिक्विड होता है, उसके बाद में लिक्विड आने के बाद में वो इस कंपार्टमेंट में आ जाता है सामने के इस इवेपोरेटर में। इस इवेपोरेटर में आने के बाद में यहाँ पे असेंबलीज लगी होती है जो सॉफ्टी को रिलीज़ कर देती है। अगर सॉफ्टी को रिलीज़ करती है तो उसी के साथ साथ हमारी ये मोटर रन करती है। अभी इसमें जैसे मैंने आपको सेंसर बता दिए, ये इवेपोरेटर सेंसर है, एक होता है नीचे में लगा हुआ जो कंडेंसर का सेंसर होता है, और एम्बियंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर देखने के लिए भी इसमें सेंसर लगे हुए होते हैं। तो सेंसर्स इसमें सामने के साइड में फ्रंट में नीचे में दिए गए होते हैं यहाँ पे, तो वो रूम टेम्परेचर के लिए सेंसर होता है। अभी इसमें अगर हम देखते हैं तो एरर्स इसमें किस तरीके से आ सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर एरर इसमें आते हैं तो इसे एरर को कैसे फाइंड करना है, अगर एरर फाइंड करना है तो इसमें काफ़ी इजी प्रोसेस दी गई होती है जो हमारे डिस्प्ले पे वो बता देती है कि कौन सा एरर इसमें आ रहा है। अभी जैसे हमने इसमें आपको बताया कि रेफ्रिजरेशन इसका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पे कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, अगर आपको इसके पार्ट्स अगर पता होता है तो जैसे अगर टेक्नीशियन है रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन, तो उसे काफ़ी ईजी हो जाएगा वर्किंग करने के लिए। उसके बाद में जैसे मैं मशीन स्टार्ट कर देता हूँ, तो मशीन स्टार्ट करने के बाद में जैसे इसमें डिस्प्ले आ रहा है, हम इसमें बात कर रहे हैं एरर की, एरर कैसे शो करेगा, एरर अगर शो करेगा तो आपको कैसे फाइंड करना है। इसमें एरर अगर डायरेक्ट शो कर देता है तो आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट करना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इसमें जैसे सेंसर्स लगे हुए हैं इसके, उसके बाद में जैसे SUVs है, तो डायरेक्ट इसमें एरर देना शो कर देता है। अभी मैं एक सैंपल के तौर पर इसका जैसा एक सेंसर है, तो इसमें सेंसर मैं दूसरा डाल के देखता हूँ, दूसरे ओम्स का, तो अभी डालने के बाद में हम देखेंगे कि इसमें एरर क्या शो करता है। अभी एरर अगर शो कर रहा है तो इसमें कैसा इसमें डिस्प्ले आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हमने इसकी जो सिस्टम है हमने ऑन कर दिया, तो अभी देखते हैं एरर ये दिखाता है कि नहीं दिखाता है हमें। तो हम इसे जैसे फ्रीज का जो ऑप्शन है हमारा, तो फ्रीज के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, तो इस तरीके से हमने इसे फ्रीज के ऑप्शन में डाल दिया है। हमारी मशीन जैसा स्टार्ट हो गया है, तो अभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है,
अभी आप देख सकते हैं कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद में हमारा जैसे इसमें कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। अभी कंप्रेसर अगर स्टार्ट हो गया है तो देखते हैं एरर कितने देर में ये शो करता है हमें। जैसा मैंने आपको बताया था इसमें मैंने सेंसर चेंज करके जो इवेपोरेटर का सेंसर है वो चेंज करके हमने दूसरा मतलब वैल्यू का इसमें ओम्स का हमने सेंसर लगा दिया था तो उसी वजह से इसने हमें एरर शो कर दिया है। अभी एरर इसके हम देखते हैं कि जैसे पहले इसमें लो मिक्स अलर्ट इसमें दिया गया है, फ्रीजिंग सिलेंडर अलर्ट दिया गया है, उसमें बेल्ट स्लीपिंग अलर्ट दिया गया है, स्पीड सेंसर अलर्ट दिया, रेफ्रिजरेशन ट्रबल अलर्ट दिया गया है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दिया गया है, कम्युनिकेशन फॉल्ट दिया है, करंट ओवरलोड लिया है, हाई एम्बियंट टेम्परेचर दिया है, एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर एरर दिया है इसमें, एयर टेम्परेचर सेंसर से एरर दिया गया है इसमें, फ्रेश टेम्परेचर सेंसर दिया गया है इसमें, फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया है। अभी इतने अगर एरर इसमें अगर हमें इसमें पहले से इन्होंने दिए गए हैं तो अगर इसमें ये शो हो जाता है एरर तो हम समझ सकते हैं हमारा प्रॉब्लम किस सेगमेंट में है। रेफ्रिजरेशन सेगमेंट में होगा तो ये एरर आपका शो कर देगा, जैसे रेड इंडिकेट इसमें ब्लिंक किया है तो इसमें भी ब्लिंक आ जाएगा, उसके बाद में लगे हुए जैसे सेंसर से उसमें भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन है तो उसमें भी दिखा देगा। अगर कहीं और हमें प्रॉब्लम आ रहा है जैसे लो मिक्सिंग अलर्ट आता है जो इवेपोरेटर में मिक्सिंग वाला जो हमारा मोटर लगा हुआ था जो हमारे इसको मिक्स करता है, मतलब हम जो उसमें सॉफ्टी बनाने के लिए जो भी लिक्विड डालते हैं उसको मिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी इसमें एरर कोड्स हमें दिए गए हुए हैं। तो इस प्रकार ये मशीन हमें अलर्ट के तौर पे इसमें एरर भी शो करती है। अभी हम देखेंगे मशीन का वर्किंग कैसे होता है। जैसे हमने सप्लाई कॉर्ड इसका लगा दिया है वहाँ पे इसमें नीचे ऑन ऑफ स्विच दिया गया है तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले आ गया है। डिस्प्ले आने के बाद में जैसे इसमें वॉश का दिया गया है तो वॉश अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो वॉश के टाइम पे जैसे ऊपर से हम पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद में जैसे हमारा इवेपोरेटर अगर वॉश करना है तो इवेपोरेटर हॉट हो जाता है सेक्शन हमारा, तो उस वजह से इसमें जैसे भी कुछ मतलब स्टिकीनेस हो जाता है जैसे शुगर का होता है और कोई चीज़ें होती है उसमें, तो उस वजह से वो चीज़ें हमें वॉश करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसे। उसके बाद में जैसे फ्रीज का इसमें दिया गया हुआ है तो फ्रीज का सेगमेंट ऐसा है जब हमें सॉफ्टी इसमें से निकालनी है तब हम फ्रीज के सेगमेंट में इसमें क्लिक करेंगे। डिफ्रॉस्टिंग का दिया गया है, हमें जो हमारी सॉफ्टी है या कुछ इसमें अगर जम चुकी है हमें उसमें से अगर निकाल लेना है तो डिफ्रॉस्ट मोड पर डालेंगे, तो डिफ्रॉस्ट मोड पर डालेंगे तो सेम हमारा हीटिंग सेक्शन में चले जाएगा। उसके बाद में जैसे सेट का ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं, सेट का ऑप्शन ऐसा होता है कंपनी से ही इनबिल्ट प्रोग्रामिंग सेट होकर उसमें आती है तो हम उसे छेड़ नहीं सकते, उसमें कोई अपग्रेडेशन हम नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, इस पर देखिए इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो हम इसे वर्किंग में नहीं कर सकते। ये मतलब जो मशीन जिसने बनाई होती है जो सप्लायर होता है उसी के पास में इसका वर्किंग होता है कि इसके जैसे हमें इवेपोरेटर पे कितना टेम्परेचर चाहिए कैसे सेट करना है, उसके बाद में जैसे हमारा जो रूम टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए जो सेंसर हुआ होता है कितना उसे सेंस करना है, कितने टेम्परेचर पर सेंसिंग रहना चाहिए, हमारा कंप्रेसर कितने देर रन करना चाहिए, रन होने के बाद जो कंप्रेसर हमारा ऑफ होता है तो ऑफ होने के बाद में फिर से रन करने के लिए कितना टाइम ऑफ ड्यूरेशन बीच में रहेगा, तो काफ़ी इसमें प्रोग्रामिंग दी गई होती है पहले से। तो इस प्रकार इसका सेटिंग का होता है जो हम इसे सेट फिर से नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें प्ले का ऑप्शन दिया गया है तो प्ले के ऑप्शन में क्या होता है ना कि इसमें जैसे प्रेजेंटेशन फॉर मेकिंग आइसक्रीम मतलब किस तरीके से आइसक्रीम इसमें बनानी है कैसी डालनी है तो इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। उसके बाद में जैसे डेली मेंटेनेंस के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। उसके बाद में प्रेजेंटेशन का ट्रबल शूटिंग क्लियरिंग इसमें दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ पहले इसमें ऑप्शन में जाने के बाद क्या होता है। जैसे इसमें मेक आइसक्रीम तो आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो उसे आपको इंस्ट्रक्शन दिखाएंगी ये मशीन आपको। उसके बाद में मिक्स इंग्रेडिएंट कैसे करते हैं इंस्ट्रक्शन दिखाएंगी, जैसे मैं आपको सिलेक्शन करके दिखाई देता हूँ तो देखिए इसमें कैसे होता है। इसमें उन्होंने मतलब उसमें पॉइंट्स दिए गए होते हैं कैसे इसे मिक्स करना है कैसे करना है, तो ये हमारी काम की तो चीज़ इसमें है नहीं। अभी रही बात इसमें मैं बैक करके आपको और दिखा देता हूँ। अभी जैसे हम फ्रीज मोड पर डालते हैं इसे तो फ्रीज मोड पर मैं इसे डालने के बाद में देखिए हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में मशीन स्टार्ट होने के बाद में जैसे कितना आरपीएम ले रहा था कैसे डिस्क्रिप्शन तो पहले आ गए थे। अभी इसके बाद में जैसे हमारा टेम्परेचर इसने बता दिया है, सिलेंडर टेम्परेचर हमारा इसने बता दिया है तो सिलेंडर टेम्परेचर हमारा ये होता है इसमें कि जैसे जो इवेपोरेटर है उसका टेम्परेचर हम इसमें ले रहे हैं सिलेंडर टेम्परेचर में। अभी उसके बाद में सिलेंडर टेम्परेचर के बाद में जैसे अभी हम देख रहे हैं तो जैसे इसमें वर्किंग बता रहा है तो प्लीज़ वेट। इसको क्या होता है ना सॉफ्टी मेक करने के लिए एक टेम्परेचर रीच इसे करना पड़ता है, जब तक वो टेम्परेचर पे रीच नहीं होगा तब तक उसको बताएगा कि मशीन हमारी वर्किंग में है। तो आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर जैसे इसमें डाउन हो रहा है तो जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हमें रहेंगी सॉफ्टी मेकिंग के लिए उस टेम्परेचर पर जाके मशीन कट हो जाती है हमारी, और जब हमारा टेम्परेचर रीच हो जाता है उसके बाद में हम इसमें से सॉफ्टी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्रीज का ऑप्शन इसमें का।
मशीन हमारी स्टार्ट है तो हमारा इवेपोरेटर कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आइस फॉर्मेशन इस पर आना स्टार्ट हो गया है हमारा। तो इस तरीके से जैसे हमारा इवेपोरेटर ये है, तो इस कंपार्टमेंट को हमारा इवेपोरेटर कूल करता है, और इसे ही हम अगर हॉट मोड पे डालते हैं तो इसी कंपार्टमेंट को वो हॉट पे भी सिलेक्ट करता है। तो इस प्रकार इसकी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हुई। इस तरह हमने देखा है कि मशीन का वर्किंग कैसा होता है, पार्ट्स कहाँ पे लगे हुए हैं इसमें, और कितने पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, और इसका जैसे जो ऑपरेटिंग होता है वो भी आपको मैंने बताया है। और उसके बाद में जैसे मशीन का वर्किंग है, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है तो कैसे एरर बताता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जैसे हमारे पास में जो मशीन आई थी, तो मशीन इसलिए हमारे पास में आई थी कि मतलब जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय के बाद में मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी, मतलब इसका कंप्रेसर बंद हो जाता था। ये कस्टमर का ग्रीवेंस था, तो उसमें हमने सेंसर का प्रॉब्लम डिटेक्ट करने की वजह से सेंसर इसमें चेंज कर दिया है, तो जिस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें कंडेंसर का सेंसर चेंज कर दिया है, जिस वजह से ओवरहीट का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व होने की वजह से हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। धन्यवाद। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्योरिफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है।